अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल ज़ायका कानपुर। और आज हम आपके साथ चिकन अफ़गानी की रेसिपी शेयर करेंगे, जिसे हम बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम मसालों के साथ बनाएंगे। और इसकी ग्रेवी का ज़ायका आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही कम टाइम में चिकन अफ़गानी रेडी हो जाता है, तो फिर चलें बनाना शुरू करते हैं। आइए तो फिर आपके साथ बनाते हैं चिकन अफ़गानी और दिखाते हैं आपको कि इसमें हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। यहाँ पर हमने 700 ग्राम चिकन लिया है, ये विद बोन है, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। ये हमने कुछ लीव्स और हरी मिर्च ली हैं। यहाँ पर हमने 12 से 13 हरी मिर्च ली हैं, ये थोड़े छोटे साइज़ की हरी मिर्च हैं। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं, वैसे हम इसे थोड़ा सा तीखा ही बनाएंगे। 1 टेबल स्पून हमने कसूरी मेथी ली है, ये होममेड है। थोड़ी सी हमने पुदीने की पत्तियाँ ली हैं और ये हमने हरा धनिया की पत्तियाँ ली हैं। सबसे पहले हम इन सबको धोकर इसका पेस्ट बना लेते हैं। एक छोटे जार में हमने ये सब डाल दिया है। इसी के साथ हम इसमें काजू डालते हैं और थोड़ा सा दही डालते हैं ताकि अच्छे से ग्राइंड हो जाए। इसमें हम एक्स्ट्रा वाटर नहीं डालेंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट हमने तैयार कर लिया है, हम ये इसमें डालते हैं। इसी के साथ हम इसमें दही डालते हैं। यहाँ पर हमने 100 ग्राम दही का यूज़ किया है और 2 टीस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। एक नींबू का रस डालते हैं। इसी के साथ हम इसमें 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर डालते हैं, 1/2 टीस्पून चाट मसाला डालते हैं, 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालते हैं और 1.5 टीस्पून नमक डालते हैं। आप अपने जायके के हिसाब से नमक डालें। सारे इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अब हम इसको मिक्स करते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही अच्छा चिकन बन जाता है ये। इसी के साथ इसमें हम 1 टेबल स्पून ऑयल डालते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। चिकन अफगानी में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं होते, लेकिन फिर भी इसकी ग्रेवी का जायका बहुत अच्छा होता है। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे कवर करके आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने देते हैं। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप इसे सडन भी बना सकते हैं। आधा घंटा हो गया है चिकन को मैरिनेट किए हुए, अब हम इसके अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। गैस पर हमने एक पैन चढ़ा दिया है और गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। इसमें हम 30 ग्राम के करीब बटर डालते हैं और अच्छे से पूरे पैन पे बटर स्प्रेड कर लेते हैं। अब हम इसमें चिकन के पीसेस डालते हैं। सारे चिकन के पीसेस हम इसमें सेट कर देते हैं। सारे चिकन के पीसेस हमने पैन में अच्छे से सेट कर दिए हैं और ये जो ग्रेवी है हम इसको साइड करते हैं। अभी हम इसे यूज करेंगे। चिकन को हमें अच्छे से गोल्डन कलर या ग्रिल मार्क आने तक फ्राई कर लेना है और जब ऐसा गोल्डन कलर आने लगे तब आप इसे फ्लिप कर लें। सारे पीस अच्छे से गोल्डन हो गए हैं, ये हमें ऐसे चाहिए थे। हम इसे साइड करते हैं और इसी गैस पर एक पैन चढ़ाते हैं। पैन गर्म हो गया है, हम इसमें ऑयल डालते हैं। यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून ऑयल का यूज़ किया है। ऑयल हमने मैरिनेशन में भी डाला था और बटर से भी हमने चिकन को फ्राई भी किया है, इसलिए हमने यहाँ पर कम ऑयल का यूज़ किया है। आप चाहें तो इससे भी कम क्वांटिटी में ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हम खड़े मसाले डालते हैं, जिसमें हमने 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, 2 काली मिर्च और 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है। इसी के साथ हम इसमें ये ग्रेवी डालते हैं। सारे मसाले हमने पहले ही डाल दिए थे, इसलिए इस टाइम हम कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे इसमें। और चिकन अफगानी में बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं होता है। 2 से 3 मिनट हम मीडियम फ्लेम पर ग्रेवी को भून लेते हैं। ग्रेवी अच्छे से भून गई है, इस टाइम हम इसमें चिकन डालते हैं। ग्रेवी में हमने चिकन और पैन की सारी ग्रेवी डाल दी है। इस टाइम आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें हम 1/2 कप दूध डालते हैं। आप चाहें तो दूध की जगह मलाई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मलाई से ग्रेवी बहुत रिच हो जाती है, इसलिए यहाँ पर हमने दूध का यूज किया है। हम इसे कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट कुक होने देंगे। अगर आपका चिकन इस टाइम गल गया है तो आप इसे इसी टाइम सर्व कर सकते हैं।
अब चिकन बिल्कुल गल गया है। इस टाइम हम इसमें थोड़ा सा स्पेस करके एक स्टील की बोल रखते हैं और इसमें ये दहके हुए कोयले रखते हैं। इस टाइम हम इसमें थोड़ा सा घी डालते हैं, आप चाहें तो ऑयल या बटर कुछ भी डाल सकते हैं, और इसे कवर करके एक मिनट तक रखते हैं। एक से दो मिनट हो गए हैं चिकन को कवर किए हुए। अब हम इसे ये बोल निकाल देते हैं। चिकन में बहुत अच्छे से चारकोल फ्लेवर आ गया है। हम इसे करते हैं सर्व और आपको दिखाते हैं। चिकन अफगानी हमने सर्व कर दिया है, ये बहुत डिलीशियस लगता है। इस टाइम आप इसे क्रीम से गार्निश भी कर सकते हैं। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो देर की इस बात की लाइक करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो के हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।